हाँ जी सत श्री अकाल जी सारा ने गौर की हाल चाल उम्मीद करते हैं तुम ठीक होंगे बिल्कुल ठीक है है ना। तो एक बार तो थोड़ा फिर स्वागत आ अपने नवे फ्रैश ब्लॉग के नाल। जिमें कि तुम पिछला ब्लॉग देखा होगा वो भी आप मॉडिफिकेशन बारे दसिया है ना किमें नहीं है ना। तो जाके छेती पहला ब्लॉग चैक करो पहले आ ब्लॉग देखो इस तुँ बाद चैक करो ठीक है भूलना जायो। तो हूँ तुम आप सिक्स मंथ रिव्यू देन लगे हैं टाइटल थंबनेल देख के तुम्हें पता ही लग जाऊगा ना। तो आज आप रिव्यू दें तो आपकी मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं जो की वधिया लग्या तो की घटी है ना। यदि सैकेंड सर्विस हो चुकी आ जो कि मतलब पहला जहाँ तक करवानी सी 5000 किलोमीटर से ठीक है जहाँ सिक्स मंथ बाद इसलिए इन 6 महीने हो गए है ना। तो हूँ आप सर्विस कराई आ जो कि ऑलमोस्ट कोस्ट आ गई 1450 रुपये आई है ठीक है 1450 कोस्ट आई है जिद कि उन्होंने एक तो मतलब एयर फिल्टर चेंज किया ठीक है जिद बाकी अपना इंजन का ऑयल फिल्टर चेंज किया फिर ऑयल चेंज किया तुम्हें पता ही है ना बस चैनल गेट या फिर अपने इतने वो लाने अंदर की लाया जी आपको इन्ना पता नहीं है ग्रीस ब्लू दिता इन्हें बढ़िया इन्हें सारा चैकअप किया। हाँ जी सब तो पहला तो मैं दसदा ये जो कि आप प्रॉब्लम्स आई है ना तो थोड़िया मोटिया ही आई वालिया नहीं आई जिमें कि एक जो आप टैंकी फुल कर दी है ना तह तक आँदी है तो वो मिसिंग जी मार दी माड़ी मोटी मतलब बाइक मिस ही करता बिचों की जो मतलब कि घट तेल रह जाए है ना जब बत्ती जगाई तो आप तुरी जाइए अभी माड़ी मोटी मिसिंग जी मारता पर इन्नी प्रॉब्लम है नहीं मिसिंग की ठीक है। इस करके भी टैंकी अभी रखो मतलब ना तो फुल करो ना जमा घट हो जो बत्ती जागते वो तेल ठोको तो एक तो अपने पास मिसिंग की प्रॉब्लम आई है माड़ी मोटी दूजी है ना प्रॉब्लम आई आ तो आप जो एजेंसी के गए थे ना तो उतों के मैनेजर नाल आप गल की असी आखिया कि भाई सानू RPM स्लो चाहिए आ मतलब ये सूँ पता ही है मतलब 1100 से 1200 के बीच रही है ना RPM असं उन्होंने आखिया जी 800-900 कर दो तो सानू करके दो पहले क्या कोई चलो अंदर ला लो है ना कर दें उन्होंने की किया मतलब कहते अंदर जो बाइक लवा लिया फिर कहते अभी कर नहीं सकते थोड़े बाइक चाह प्रॉब्लम आऊगी आ होगा वो होगा सूँ कर कह लग गया अभी कर नहीं सकते क्या नहीं हो गए पहली गल तो हिंदी अभी चल बोले नहीं चलो कोई गल नहीं है ना ना कर दो नहीं करते तो सानू उत्थे मतलब एक बाइक होर भी टक्करी सी उन्होंने करवाई सी वो कहते तुसी कंपनी नूं मेल भेजो है ना हुण चलो क्यों मेल भेजनी आ कोई गल नहीं एक आपां नूं आ प्रॉब्लम आई दी RPM दी है ना मतलब कदे कदे घट भी जाती है मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं किक मार दें आप ही कदे कदे घट जाती है मतलब दुग दुग कर लग जाता तो कदे कदे पूरी तेज हो जाती है मतलब चोक लगी होंगी है आह सिस्टम है इहदा कल्ला RPM दा रौला थोड़ा मोटा BSS च होर कोई ज़्यादा वो नहीं गा एक इहदा नूं चलाउणे आ आए जी नहीं लगता कि बुलट चलाने में क्योंकि तो हैंडल हो नहीं गया कोई नहीं हौली हौली है ना लगन लग जूगा एक आप बैंड पाइप भी चेंज करावे जे अपने 10000 सबसक्राइबर जिदे हो गए उदे करा देंगे आप बैंड पाइप चेंज हो सके तो पहला भी करा दीजिए है ना। तो और सानू कहते कि बैंड पाइप चेंज नहीं करवानी वो गरंटी लंघ जू वारंटी जो कुछ हो जूगा एक बार ता नहीं कराई हाँ वो तो कोई गल नहीं सी तो अब सूँ आप दिखाइए कि चल चुके ना 6 महीने के बच्चे करिए यार इधर देखो जी 4068 किलोमीटर चल चुके 6 मंथ के सर्विस यदि सैकेंड सर्विस हो गई सी ठीक है तो हम थर्ड सर्विस होगी यदि 6 मंथ बाद जो 10000 चल गया पर घर के कहें डैडी जी आगे कहें कि 8000 या 9000 की करा देंगे पहले ही करा देंगे थोड़ी तो होर आप कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो कितना ही जश्न भाई सारा चली जाते वीडियो तो हाँ जी तुम आ देखो ना जो चैन लुब्रीकेट लाते हैं ना ना देखो जो इतने चैन लुब्रीकेट जो लाने वो उस ना चक्का जहा खराब हो जाता साफ करना पैंता हूँ तो मैं साफ करके लिया पर इन्ना भी साफ नहीं इग्नोर करो है ना थोड़ा मोटा तो कह देखो सुन देता हो देखो इतने कि गालज दिता ना चैन ने चैन लुब्रीकेट नाल होर तो कोई नहीं खासा वो होया है ना तो उन्होंने बस तुम दस ही दिता जिमें कि फिल्टर चेंज किया एक सिलेंसर मैं जिम्मे पिछले ब्लॉग दसा नाल करवाया है ना तो आ मॉडिफिकेशन जी माड़िया मोटिया कराई है ना सूँ ਵਲੌਗ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਆਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਈ ਰਿਵਿਊ ਸੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੁੱਚ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਔਫ ਪਈਏ ਨਾ ਲਾ ਦਈਏ ਬੱਤੀ ਜਗਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਐਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗਦੀ ਆ ਉਹਨੀ ਜਾਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਐਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਹ ਸੋਚਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ EFI ਦੀ ਮੋਟਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਿੱਕ 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 ਕਰਦੀ ਆ
ਆਹ ਮੋਟਰ ਜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਬਸ ਕੱਟ ਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਖਰੂਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੂਰੀ ਘੈਂਟ ਆ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦਿਓ ਖੋਰੂ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਊਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਘੈਂਟ ਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਮਗਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ